हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेब सिद्दीकी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लैपटॉप्स एडवोकेट पर। तो जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप की, और ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस 7 Pro 1866, मॉडल नंबर है। ये सर्च करोगे तो आपको इसका कॉन्फिग्रेशन भी मिल जाएगा। इसका कॉन्फिग्रेशन है i5 10th generation, 8 GB ऑफ रैम है, 128 GB SSD, NVMe हार्ड ड्राइव है इसका। तो जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो, ये इसका टाइप कवर है। बेसिकली ये जो बॉक्स है ये वाला, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर लैपटॉप आता है, लैपटॉप आता है या आप बोल सकते हो टैबलेट भी आता है। ये हो गया इसके अंदर टैबलेट, और ये जब भी हम इसके अंदर ये अटैच कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा लैपटॉप। इसको 2-in-1 लैपटॉप बोलते हैं, मतलब आप टैबलेट की जैसा भी यूज़ कर सकते हो और आप लैपटॉप की जैसा भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए कर लेते इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग, और देखते हैं इसका कौन और देखते हैं इसके साथ क्या क्या एसेसरीज आई है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सब चेक करते हैं और मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ एंड में कि इसको बाय करना वर्थ है या नहीं। तो चलिए अब करते हैं इसे अनबॉक्स। ये इसका टाइप कवर, पहले इसी की अनबॉक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिया हुआ है ओपन करने के लिए। ये हमने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए, ये हमारा टाइप कवर है। ये काफ़ी लाइट वेट है, ऐसा लग रहा है हाथ में कुछ पकड़ा ही नहीं है, लैपटॉप है या क्या है, कुछ लग ही नहीं रहा है। ये इसका एक अच्छा सा मैट फिनिशिंग दिया हुआ है, ये देख सकते हो, काफ़ी कूल लग रहा है। और ये मेरे को काफ़ी पसंद आया देखने में, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसका प्राइस अप्रोक्स 11,000 है सिर्फ इसका टाइप कवर का आपको, और लैपटॉप का अलग से आपको पे करना पड़ता है। तो इसको रख देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए साइड में, और पहले कर लेते हैं लैपटॉप, लैपटॉप बोलूँ या टैबलेट बोलूँ जो भी है, पहले उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको रख दिया साइड में, अब आ जाते हैं टैबलेट के पास। ये हमारा टैबलेट, देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। मैंने अभी तक इसका कलर भी नहीं देखा है, कलर कौन सा है। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। वाह, ये काफी हार्ड है, इसका कवर इजिली रिमूव नहीं करने दे रहा है। मैंने इसको फटाफट से अनबॉक्स किया और मैंने इसका सेटअप कर लिया है। अब चलिए इसके पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ और इसके कैमरे के बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक 5 MP का कैमरा दिया है, 1080p का कैमरा है। और इसका ये जो कैमरा है, ये रियर कैमरा है, ये भी 8 MP का कैमरा है। और हाँ, इसका कलर मैंने अभी देखा, ग्रे कलर का लैपटॉप है ये। और ये जो है इसका स्टैंड है, स्टैंड पे एक लोगो भी दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का। ये स्टैंड है, अगर आप लैपटॉप यूज़ नहीं करना चाहते हो, टैबलेट मोड यूज़ करना चाहते हो, तो ये आपका स्टैंड है, काफ़ी अच्छा स्टैंड है। इस तरह होल्ड करके आप अपनी मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, या कुछ गेम खेल रहे हो, या कुछ इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो, वो सब कर सकते हो। और जो ये इसका स्टैंड है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये पीछे से यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट का इन्होंने लोगो दे दिया हुआ है। बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। तो ये जैसा आप देख सकते हो, ये एक टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, एक USB पोर्ट और दिया हुआ है टाइप ए का। ये 3.0, ये मे बी 2.1 या 3.0 होगा, वो अभी मैं चेक कर लूँगा। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे आपको अपना एडाप्टर कनेक्ट करना होगा चार्जिंग के लिए। ये पोर्ट जो आप देख रहे हो, ये पोर्ट एयरफोन के लिए, आप अपना एयरफोन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। एयरफोन कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा लैपटॉप, इसको बेसिक सेटअप तो मैंने कर लिया है। अब बात कर लेते हैं इसके साथ में एसेसरीज क्या क्या आती है। तो कुछ इस तरीके का लैपटॉप दिखता है ये, वो तो अभी हम खुद भी देख लेंगे।
इसको रखते हैं साइड में। ये क्या है इसके अंदर, ये एक छोटा सा बॉक्स उन्होंने दिया है, ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो का गाइड है, यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल है, ये दो आए हुए हैं इसके अंदर। इसको साइड में रख देते, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, इतना सारा कौन पड़ेगा। इसको रख दिया साइड में। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसके अंदर एडप्टर लग रहा है मुझे, देख लेता हूँ क्या है। हाँ इसके अंदर एडप्टर ही है, ये काफ़ी अच्छा एडप्टर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मोबाइल का एडप्टर है। ये देखिए यहाँ पे एक विंडोज़ का लोगो दिया हुआ है इन्होंने, 65 वॉट का एडप्टर दिया हुआ है इसके साथ। और ये कुछ, ये जो चार्जिंग का कनेक्टर है कुछ एप्पल की तरह मुझे दिख रहा है, एप्पल में भी आता था पर ये अलग है, एप्पल के ये जो डॉट्स आते थे उसमें डायरेक्ट होल्ड हो जाता था मैग्नेट के थ्रू, इसमें अलग दिया हुआ है, और बोल सकते हैं एप्पल का कॉपी किया हुआ है ये पार्ट इसने। और ये इसका कनेक्टर आया हुआ है, इंडियन कनेक्टर, इसका पावर कनेक्टर, तो इसको इसमें कर लेते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पर लैपटॉप का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं टाइप कवर के साथ। ये लिया मैंने टाइप कवर, और ये जो टाइप कवर इसके स्क्रीन प्रोटेक्शन का भी काम करेगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाइप कवर कनेक्ट हो गया और ये स्क्रीन को भी प्रोटेक्ट करेगा इस तरीके से। ये कुछ नोटबुक वाला फीलिंग आ रहा है, ये बुक है, ये बुक को खोला, क्लोज कर दिया, और एक ये इसका स्क्रीन भी यही प्रोटेक्ट करेगा, तो अच्छा है। अगर आप ये माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस परचेस कर रहे हो तो आप ज़रूर ये भी परचेस कीजिए। इसके साथ में एक पेन भी आती है, मैंने अभी परचेस नहीं किया, फ्यूचर में लूँगा। अच्छा, जो अब बात कर लेते हैं टैबलेट की, तो ये जो टैबलेट है इसका वेट जो है आपका टाइप कवर होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इसको अगर आप स्टैंड करोगे तो आप उसके लिए ये जो इसका बैक स्टैंड है उसको यूज़ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टैबलेट का वेट ये टाइप कवर हैंडल नहीं कर पा रहा है। अगर आप ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में इसको रखोगे तो ये पीछे की तरफ गिर जाएगा, तो इसके लिए आपको उसका लैपटॉप बोलो या आप ये टैबलेट बोलो, उसका स्टैंड आपको यूज़ में लेना पड़ेगा। तो ये बस कंप्लीट हो गया है। इसके थोड़े आइकन्स डेस्कटॉप के सेट कर देता हूँ, आइकन्स क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं लैपटॉप की। देखिए ये जो लैपटॉप है ठीक है, अच्छा है, लाइट वेट है, दिखने में भी अच्छा है, काफ़ी कूल दिखता है, लेकिन इसके अंदर ना मुझे दो तीन चीज़ की कमी लगी है लैपटॉप में। एक इसका जो स्टोरेज डिवाइस है वो काफ़ी कम है, 128 GB कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप लेते हो, आप दो चार सॉन्ग्स रखोगे, कोई अच्छी वीडियोज़ रखोगे, कुछ मूवीज़ रखोगे, तो उसके अंदर स्टोरेज आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको इसके लिए अलग से हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल डिवाइस कुछ भी परचेस करना पड़ेगा। तो आपने लैपटॉप पूरा देख ही लिया होगा, अब मैं इसके बारे में थोड़ी अच्छी चीज़ें बता देता हूँ और थोड़ी बुरी भी चीज़ें। तो सबसे पहले बुरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए आप जो इसका स्टोरेज डिवाइस देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये सिर्फ इसके अंदर 118 GB का मिला हुआ है आपको, 128 GB का था, उसमें से आपको ये 118 GB मिला है। उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब इंस्टॉल होने के बाद आपको सिर्फ 81.5 GB मिला है। अगर उसमें भी आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करोगे और थोड़े बहुत प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आपको 65 to 68 GB का सिर्फ आपको स्टोरेज मिलेगा। तो इसका स्टोरेज काफ़ी कम है। अगर आप ये वेरियंट बाई करना चाहते हो ये सीरीज़ का, तो इसमें आप, मैं तो बोलूँगा आप 256 GB के ले जाओ, या तो फिर आपको वही करना होगा कि आप पेन ड्राइव कैरी करो अलग से डेटा रखने के लिए, या तो आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बाई कर लो 1 TB का या 500 GB का, उसके लिए ठीक है। अभी ये रेंज में इतना एक्सपेंसिव लैपटॉप है, 84, 85, 83 का लैपटॉप है ये, तो अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग रेट है, ऑनलाइन रेट कुछ और है, ऑफलाइन रेट कुछ और है। तो अगर इतना एक्सपेंसिव लैपटॉप आप बाई करते हो और उसके अंदर आपको इतना कम स्टोरेज मिलता है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इनको स्टोरेज थोड़ा और देना चाहिए था। इसके दूसरे वेरिएंट भी है जिसके अंदर 256 GB का है, लेकिन वो थोड़ा और एक्सपेंसिव हो जा रहा है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सरफेस बाई करने में इंटरेस्ट रखते हो और आप परचेस करने वाले हो, तो मैं तो बोलूँगा कि आप 256 GB का लो, या तो फिर आप एक पेन ड्राइव रख लो अलग से। और अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल रिव्यू के बारे में। लैपटॉप दिखने में काफ़ी अच्छा है, चलने में काफ़ी अच्छा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका जो प्राइस है ना वो ये रेंज के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। क्योंकि अगर आप दूसरे भी लैपटॉप देखोगे i5 10th generation के साथ, तो उसमें ग्राफिक कार्ड के साथ भी अगर आप लोगे
तो आपको 55, 38, 40 अलग अलग सीरीज़ के अलग अलग प्राइजें मिल जाते हैं। लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये मतलब अभी इन्होंने कुछ नया लाया हुआ है, इसमें मुझे कुछ खास लगा नहीं देखने में, यूज़ करने में। अगर मैं मुझे बाई करना रहे इतना एक्सपेंसिव लैपटॉप तो मैं नहीं करूँगा, मैं डेल में देख लूँगा, एसर में देख लूँगा, या आसूस में कोई लैपटॉप बाई करूँगा। मैं इतना एक्सपेंसिव लैपटॉप तो नहीं बाई करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।